सर, लगातार दूसरा दिन और संसद एक कंपनी विशेष के उतार चढ़ाव शेयरों में जो हो रहे हैं उसको लेकर ठप है। सवाल उतार चढ़ाव का नहीं, सवाल है ये क्यों हो रहा है उतार चढ़ाव। जिस तरह भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों को बिना परवाह किए तोड़कर इतनी बड़ी धनराशि दी गई है, और जो साइफन हुई है इसमें करोड़ों, 130 करोड़ भारतीयों का धन लगा हुआ है। इस मुद्दे को हम उठा रहे आपको हैं। लगता है कि ये सामान्य नहीं है और इसके पीछे कोई है? इसके पीछे पूरी मोदी सरकार है। बिना मोदी सरकार के अब तक ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स रेड कर देती, नहीं कर रही है, इसलिए कि इस मोदी सरकार का संरक्षण। और ये इस तरह से बहस चलती रहेगी अगर सड़क से अलाउ नहीं लेकर किया गया तो? संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे, जो हमारा धर्म है, फर्ज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।